मोहतरम नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। मेरा आज का नुस्खा जिस्म को मोटा करने के लिए, जिगर और मेदे की इसलाह के लिए। ये एक ऐसा नुस्खा है जिसको आप वेट गेन कोर्स भी बोलते हैं और इसके अलावा स्टोमिक लिवर ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। ये नुस्खा जो है ये आपको ऐसे सेहतमंद बना देगा। आपको पता है कि अगर जिस्म बहुत ज्यादा पतला हो, जितने मर्जी महंगे कपड़े पहन लें, बंदा जो है वो उसकी लुक इतनी अच्छी नहीं लगती। और जैसे ही हम किसी पार्टी में जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, तो वहां पे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। बंदा जितनी भी खुराक खा रहा हो वो खुराक लगती नहीं। जब तक जिगर और मैदा प्रॉपर काम नहीं करेगा तब तक आप जो है वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं होंगे। क्योंकि होता क्या है, आपका मैदा जो है वो सही तरीके से खुराक को हजम नहीं करता, जिगर जो है वो सही तरीके से खून नहीं बनाता, और इसके अलावा मैदे में गर्मी, मसाने में गर्मी हो जाती है। एक ऐसा नुस्खा है जो कि बच्चे, बड़े, औरतें सब इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि आजकल हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को ये मसला है कि जिस्म इतना दुबला पतला है कि शादी में रुकावट आ रही है, रिश्ता अच्छी जगह पे नहीं हो रहा। और अक्सर बच्चे जब वो जॉब लेने के लिए जाते हैं तो उधर पे वो क्या होता है, वो उनको मजाक करते हैं या वो कहते हैं कि जी आपकी छाती पूरी नहीं है, आपका जिस्म जो है ये बिल्कुल पतला है। मतलब ये कि जॉब लेने में भी रुकावटें आती हैं। और इसके अलावा मैं आपको आज एक नया सिलसिला जो शुरू किया है उसमें मुझे, आपको पता है, 200-300 कॉल्स रोजाना आती हैं। उन कॉल्स में अक्सर लोग अपने मसले बयान करते हैं, जो मुझे इजाजत देते हैं कि जी आप हमारे मसले को जो है उसमें, उसको वीडियो में बयान कर दें। तो मुझे जो कॉल आई है रिसेंटली, कल एक कॉल आई है यूके से, उसमें वो जो भाई ने कॉल की है, पेशेंट ने, उनका मसला भी यही था कि मेरा जिस्म बहुत पतला है, खुराक नहीं लगती, मेदे में गर्मी है, असाबी कमजोरी है, उम्र 30 साल है, और इसके अलावा बहुत ज्यादा रंग पीला, खून की कमी, कमजोरी, जिस्म को थकावट भी बहुत ज्यादा हो जाती है, भूख बिल्कुल नहीं लगती। ठीक है जी, ये उनका मसला था। अब जी नुस्खे की तरफ आ जाते हैं। नुस्खा है जी, नुस्खे में आपने सबसे पहले त्रिफला लेना है 200 ग्राम, उसके बाद आप लेंगे सौंफ 100 ग्राम, अजवाइन देसी आप लेंगे 100 ग्राम, काला नमक 50 ग्राम, अगर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है काला नमक इस्तेमाल ना करें, सोडा बाइकार्ब 50 ग्राम, शादर 100 ग्राम, फिलफल स्या 50 ग्राम आप लेंगे, कलमी शोरा 50 ग्राम लेंगे। इन सब का आपने सफूफ तैयार करना है। सफूफ तैयार करके आपने सुबह खाने के बाद आधी चम्मच दोपहर और आधी चम्मच शाम खाने से पहले पानी से इस्तेमाल कीजिएगा। और इस नुस्खे के बारे में भी आपने फिर बताना है। और ये जो यूके से जिन्होंने कॉल की है वो भी इस नुस्खे को इस्तेमाल करिएगा और फिर बताइएगा नुस्खा। आपको बना बनाया भी मिल जाता है। कोई भी नुस्खा मंगवाने के लिए नंबर है जी 03017608032। इसी नंबर पे व्हाट्सएप भी चल रहा है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगली वीडियो में ऐसे ही एक अच्छे नुस्खे के साथ मुलाकात करेंगे। इजाजत दीजिए, गुड बाय।